हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑन अर्थ जीआईएस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इश्यू के बारे में बात करेंगे जो कि कैटलॉग से रिलेटेड है। तो कैटलॉग में जब भी हम टूल्स यूज करने के लिए टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो एक मैसेज शो करता है, एक पॉपअप मैसेज आता है कि दिस टूल इज नॉट लाइसेंस। तो ये जो इरर है ये किस तरह से क्यों आती है और ये जो टूल है इसको कैसे लाइसेंस किया जा सके या इस इरर को कैसे फिक्स किया जा सके, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इस चैनल एंड हिट दी बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड ए न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आर्क टूल्स के टूल बॉक्स पे क्लिक किया है, इसमें 3D एनालिसिस टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कन्वर्जन टूल किसी एक टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इंपोर्ट 3D फाइल या मैं कोई भी एक यूज कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख रहे हो कि मैसेज आया टूल नॉट लाइसेंस और अनेबल टू एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड टूल, यू डू नॉट हैव द नेसेसरी लाइसेंस टू एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड टूल। तो इसको लाइसेंस कैसे किया जा सके उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको फिक्स करना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको यहाँ कस्टमाइज पे जाना है, जो एक्सटेंशन है इसको बस इनेबल कर देना है, सब पे आप टिक कर दीजिए और यहां से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद अब अगेन इस पे क्लिक कीजिए तो आप देख रहे हो कि ये टूल वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अब आप कोई भी टूल पे क्लिक करोगे तो टूल वर्क करेगा। तो आपने अगर गलती से अनटिक कर दिया है तो उसको आप वापस जाके टिक कर सकते हो। अब देख रहे हो अब सब टूल इसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जो मैं अपने वीडियो के लिए जो फाइल यूज करता हूँ या आपको और भी कोई अगर प्रैक्टिस के लिए फाइल यूज करनी है और आपको जीएस के डाटा चाहिए तो उसके लिए मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके आप किसी भी कंट्री का डाटा डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहीं से डाटा डाउनलोड किया है जो श्रीलंका का था। इसमें आप डाटा यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। अब इसी तरह से किसी भी कंट्री का कर लीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया करना है या वाटर रोड्स या रेल रोड्स या आपको एलिवेशन करना है उस कंट्री का या पॉपुलेशन, कुछ भी आपको डाटा चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करके कर सकते हो डाउनलोड। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो टूल बार में ये जो टूल था तो ये आपका जो मैप व्यू है उसके यूज के लिए है। उसके अलावा अगर आपको लेआउट में जैसे यूज करना है आपको, तो उसमें आपका पेन का ये है, आप इससे पेन कर सकते हो लेआउट को, यहाँ से जूम भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो। तो जिस तरह से ये नॉर्मल व्यू के लिए ये टूल बार है, इस तरह से ये लेआउट के लिए है। आप अगर इसमें टॉगल करते हो तो आप देखते हो कि ये डिसेबल हो गया है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव लर्न्ड समथिंग। इफ यू लर्न्ड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।